हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मेरी बेटी ने डिफरेंट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है। उम्मीद करती हूँ मेरी जैसे पहले वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दोगे। ये रेसिपी उसने बनाई है मशरूम पुलाव, तो चलिए देखते हैं। एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मशरूम फ्राइड राइस। उसके लिए मैंने ये वेजिटेबल्स चॉप करके रखे हैं, जिसमें मैंने लिया है फ्रेंच बीन्स, अनियन, जिंजर, गार्लिक, टोमेटोस और थोड़ा सा कैप्सिकम। और ये मशरूम मैंने बॉईल करा है, मशरूम को मैंने चॉप करके रखा है और मैंने अलग से इधर राइस बना लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक पैन को थोड़ा गर्म होने देंगे, इसके बाद आई विल ऐड सम ऑयल इनटू इट। ऑयल को अब थोड़ा गर्म होने देंगे। इसमें आप ऑलिव ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें सरसों का तेल यूज़ करा है। अब इसमें ही मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज़ माय स्टाइल ऑफ कुकिंग। मैं हमेशा सरसों के तेल के साथ घी ऐड करके बनाती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेल अभी अच्छा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी राई। राई के बाद इसमें डालेंगे गार्लिक, फ्राइड राइस में बहुत सारा गार्लिक बहुत अच्छा टेस्ट ऐड करता है। अब इसमें मैं थोड़ी सी जिंजर ऐड करूँगी, हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अनियन, आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है, मैंने नहीं ऐड करा है। अब इसको हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। बाय मिस्टेक मैंने इसमें एक दो फ्रेंच फ्राइज के पीसेस भी ऐड कर दिए हैं, बट इट्स ओके, इतना तो चलता है कुकिंग में। इसको अभी हल्का ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई करेंगे, जब प्याज का कलर हल्का ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें और वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। प्याज ब्राउन हो रहा है, वेट करते हैं। नाउ यू कैन सी प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। कितना सुंदर लगता है प्याज ऐसे भूनते हुए, एंड द स्मेल इज वेरी वेरी गुड। अब इसका कलर ब्राउन हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं इसे फ्राई करना था क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसे कच्चा ही रखना है। नाउ आई विल ऐड द अदर वेजिटेबल्स, जिसमें मैं ऐड करूँगी फ्रेंच बीन्स। फ्राइड राइस में फ्रेंच बीन्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, प्लस वेजिटेबल्स आप जितनी ज़्यादा डालेंगे आपका खाना उतना ही हेल्दी बनेगा एंड उतना ही अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। सो आई एडेड सम फ्रेंच बीन्स। नाउ आई विल ऐड कैप्सिकम। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी है, अब हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स आप ऐड करेंगे उतना अच्छा फ्राइड राइस बनेगा आपका। तो अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे और कम टमाटर। अब इसमें ऐड करेंगे कम टमाटो। हल्का सा फ्राई होने देंगे।
अब इसमें मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं ऐड करा है। नाउ फ्राई इट फॉर 2 to 3 मिनट। अब इसमें मैं मटर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी मटर। और अब हम इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, विच इज मशरूम। मशरूम के बिना मशरूम फ्राई करें इज नथिंग। सो लेट्स ऐड सम मशरूम इन दिस। मशरूम को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने बॉईल करके 2 से 3 पीसेस में काट कर रखा था। तो अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें आप फ्राइड राइस मसाला भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें ऐड करूँगी पाव भाजी मसाला। मसाले का इंग्रेडिएंट्स मोस्टली सेम होते हैं, तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग वेरी स्पेसिफिक कि आपको यही ऐड करना है। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हो, नहीं भी है तो भी आप सिंपल मसाले डालकर भी बना सकते हैं। मैंने मसाला डाला, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रेसिपी बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी इतना स्पेसिफिक नहीं है। आपको सिर्फ मशरूम्स लाने हैं, वेजिटेबल्स लानी है थोड़ी सी, बाकी चावल आपके घर पे अवेलेबल होते हैं, मसाले अवेलेबल होते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इजी रेसिपी, आप फटाफट इसको बना सकते हैं और इसका टेस्ट इज़ जस्ट यम्मी। प्लीज़ आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा अपने घर पर, एंड लेट मी नो हाउ मच यू लाइक इट। अभी अच्छे से फ्राई हो गया है, इस फ्राइड राइस को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें न्यूट्री नगेट्स ऐड कर रही हूँ। न्यूट्री नगेट्स में बहुत सारा प्रोटीन होता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एंड हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा न्यूट्री नगेट ऐड करे हैं, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मेरी फैमिली में तो सब इसको बहुत लाइक करते हैं, आप भी इसको ऐसे बनाइएगा। एंड अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी ताकि ये सब्जियाँ थोड़ी जल्दी गल जाए। दिस इज लुकिंग सो यमी। अब बस हमें इसमें राइस ऐड करना है एंड वी आर डन। वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से पक गई हैं, अब हमें इसमें सिर्फ राइस ऐड करना है। तो अब हम इसमें राइस ऐड करते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि राइस मैंने पहले से बना के रखा था, मैं वो राइस इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिला के बस इसमें नमक ऐड करना है। तो इसमें मैं नमक ऐड करती हूँ। मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक, क्योंकि जब मैंने चावल बनाए थे तब मैंने थोड़ा सा नमक पहले ही ऐड कर दिया था। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक
ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे ऐसे ही 2 से 3 मिनट धीमी गैस पे पकाएंगे। उसके बाद दिस इज रेडी टू सर्व। दिस इज रेडी। नाउ आई विल ऐड सम फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स इनटू इट। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रहा है एंड आई होप ये खाने में भी उतना ही टेस्टी। आप इसमें थोड़ी सी लेमन ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। नाउ दिस इज रेडी। दिस इज नाउ रेडी टू सर्व एंड ईट। प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स वेदर यू लाइक इट और नॉट।